हरियाणा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने टिकट के उम्मीदवारों के लिए शर्त लागू कर दी है। हरियाणा में अगर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना है तो टिकट के उम्मीदवार को शराब से दूर रहना होगा। बकायदा इसके लिए शपथ भी लेनी होगी कि वो मादक और नशीले पदार्थ से दूर रहेगा। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आम जन बेहद परेशान है। कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक मंदी किसी न किसी तरीके से जनता को प्रभावित कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में हर वर्ग से सुझाव लेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मानते थे कि हरियाणा में कांग्रेस में बदलाव से ही हरियाणा की राजनीति में बदलाव होगा, अब उनकी अग्नि परीक्षा है। वहीं तंवर ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने पंचकुला में कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि जीत का एजेंडा लेकर चल रही है पार्टी और चुनाव कैसे जीता जाए इसके लिए निचले स्तर तक सभी को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। फतेहाबाद में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने दर्जन भर गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जेजेपी की रैली को फेल करने की साजिश का आरोप लगाया। 22 सितंबर को जेजेपी देवीलाल को लेकर रैली करने जा रही है और उसी दिन सरकार ने कलर्क भर्ती परीक्षा रखी है ताकि युवाओं को रैली से दूर रखा जा सके। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 29वीं मीटिंग शुक्रवार को चंडीगढ़ में होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मीटिंग में राज्यों के आपसी मुद्दों पर चर्चा होगी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तय करने, ट्राई सिटी में रिंग रोड डेवलप करने पर भी चर्चा होगी। पंजाब और हरियाणा रिंग रोड पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पंजाब और हरियाणा का पानी विवाद, SYL से हरियाणा को पानी मिलने का एजेंडा भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सुभाष बराला, हरियाणा प्रभारी अनिल जैन, सुरेश भट्ट मौजूद रहे। बैठक में सुभाष बराला ने कहा कि बीजेपी के पास हजारों की संख्या में इच्छुक कार्यकर्ताओं के आवेदन है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 58 में भी सन्नाटा नजर आया। हड़ताल का असर निजी स्कूलों पर भी पड़ा है। फरीदाबाद में हड़ताल के चलते करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नई मोटर व्हीकल एक्ट पॉलिसी से हर आदमी परेशान है, इसी के चलते ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की। उड़ता पंजाब के बाद अब हरियाणा भी नशे की गिरफ्त में है, जिसे दूर करने के लिए महिलाएं खड़ी होने लगी हैं। सोनीपत की सिरसा जाटी में महिलाओं ने नशे के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। महिलाओं ने गांव में पोस्टर लगवाए हैं। महिलाओं ने प्रशासन से 1 सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्राम पंचायत के खिलाफ खड़ी होने की बात कही है। क्लर्कों के 4,858 पदों के लिए 21 सितंबर से शुरू हो रही लिखित परीक्षा के लिए हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग नया प्रयोग करने जा रही है। 3 दिन तक चलने वाली परीक्षा में पारदर्शिता के लिए पहली बार अभ्यर्थियों के चेहरे की पहचान की जाएगी। इसके अलावा फिंगर बायोमेट्रिक और एडमिट कार्ड का QR कोड भी स्कैन होगा। इसका फायदा ये होगा कि जिस परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड है वही इस परीक्षा में बैठ सकेगा।